डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद है ये तीन तरह की रोटियां, डाइट में जरूर करें शामिल। भारत में डायबिटीज की बीमारी तेजी से फैल रही है। लगभग हर उम्र के लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। मधुमेह, जिसे आम भाषा में डायबिटीज कहा जाता है, एक ऐसा रोग है जो खराब खानपान और बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण हो सकता है। डायबिटीज के मरीज अगर अपने खानपान में सुधार नहीं करते हैं तो इससे उनके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बिगड़ सकता है, जिससे कई और समस्याएं हो सकती है। डायबिटीज का अब तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इस गंभीर बीमारी को लाइफस्टाइल में बदलाव करके और सही खानपान के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को कौन कौन से आटे की रोटियां खानी चाहिए। राजगीरा आटा। राजगीर का इस्तेमाल कई घरों में व्रत के दौरान किया जाता है। राजगीरा को रामदाना और अमरंथ भी कहा जाता है। राजगीरा का आटा डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले राजगीरा के आटे में कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा होती है। ऐसे में यह आटा शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। राजगीरा के आटे से रोटी, चीला आदि बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इससे बने दलिया और लड्डू भी हेल्दी और स्वादिष्ट होते हैं। रागी आटा। रागी को मंडुआ भी कहा जाता है। इसके आटे की रोटी डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। पहाड़ों पर रागी का इस्तेमाल खाने में कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है। रागी में कैल्शियम और आयरन के साथ फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और भूख कम लगती है। रागी के आटे से रोटी के अलावा डोसा, चीला और लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। डायबिटीज के मरीज शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए रागी के आटे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे उन्हें अनेक फायदे मिल सकते हैं। जो आटा। डायबिटीज के रोगियों को ब्लड शुगर लेवल के साथ अपने वजन को भी कंट्रोल में रखना होता है। ऐसे में जौ का आटा उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर जौ का आटा डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जौ में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है। वजन कंट्रोल करने के लिए भी जौ का आटा फायदा कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए, और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।